तो यार फाइनली फाइनली यार बैटरी वगैरह ले लिए, चार्जर ले लिया और सीट भी जैसे तो ये हमने टहलबाजी में लिया है। बंदा टहल में आ गया था यार, 500 रुपये का ब्याज कर दे लो, और हमने 550 रुपये दिए खैर, लेकिन चार्जर आ गया। एक बंदा 900 रुपये का पहना रहा था, ये कदर है यहाँ पे ऐसे ही होता है, 900 रुपये का पहना रहा था और 500 रुपये का टहल आया यार। सो हेलो जी, क्या हाल है? फिर से वापसी एक और नए ब्लॉग में, और आज का सीन ये है कि यार जो सनलाइट आ रही है बड़ी प्यारी लग रही है आपके भाई को, तो इस वजह से आज का जो ब्लॉग है वो सनलाइट के अंदर शूट हो रहा है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार आज हमें जा रहा था अपने कैमरे की एसेसरीज देने, अपने कैमरे को पूरा करने के लिए। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले ब्लॉग का स्टार्टअप हम लेते हैं सुबह अपने नाश्ते से ही, नाश्ता वगैरह करते हैं। सबसे पहले हम लोग उठ के सबसे पहला काम जो है वो नाश्ते का होता है, सबसे पहले करा उठ के नाश्ता वगैरह। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम मॉर्निंग वगैरह हो गए और सबसे पहले चलते हैं किचन में, चाय वगैरह रेडी हो गई है, सबसे पहले निकालते हैं चाय। चाय वगैरह के बाद आगे के सीन्स बताता हूँ क्या है। अभी तो फिलहाल चाय वगैरह भी निकालते हैं, अब चाय गिर गई क्या थोड़ी सी? फिलहाल चाय वगैरह गिर गई है थोड़ी सी। तो फिलहाल जो चाय वगैरह निकाल ली, अब चलते हैं वापस कमरे में और चाय वगैरह को रखते हैं और थोड़ा सा बाहर का व्यू लेकर आते हैं कि बाहर क्या सीन्स है। सो चाबी वगैरह उठाते हैं, उन लोगों को बाहर की चीज़ें दिखाता हूँ कुछ। तो ठंड हो रही होती है ना, हाथ पाँव वैसे ही सुन हो जाते हैं, हाथ पाँव ऐसे हो रहा है इस टाइम पर सुन, बिल्कुल सुन से मुराद के बाहर लग रही है हाथ पाँव की, बाकी बहुत सुन हो रहा है हाथ पाँव। बाहर के रूम में कुछ काम भी था आज, तो कैमरा भी जफर के पास ही पड़ा हुआ है। सीन्स ये है कि कैमरे की एसेसरीज वगैरह लेने जानी थी, तो इस वजह से जो है कैमरा हमारा जफर भाई के पास ही है, क्योंकि आज कैमरे की एसेसरीज लेने जाना है यार। सो भाई आज बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है बाहर, तो इस वजह से मैं तुम लोग क्या ही भी हो दिखा। अभी जो है हमें जाना है वापस अपने रूम में, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। मैं समझा थोड़ा ठंडा मौसम होगा, लेकिन ये तो गर्मी जो है हद से ज़्यादा वाली है। ऐसा वेदर है कि वापस जो है अंदर ही चल लें, वरना मैंने सोचा था कि चलो अगर मौसम अच्छा हो तो। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यार, इससे बेहतर है कि बंदा कमरे में बैठे सुकून से नाश्ता ही कर ले। नाश्ते के बाद के जो सीन्स होते हैं वो ये होते हैं कि यार जो काम वगैरह रह जाते हैं वो हमें करने होते हैं नाश्ते के बाद। तो फिलहाल जो है आज के तो हमें हमारे काम थे वो हम कर चुके थे नाश्ते से पहले, नाश्ता करा उसके बाद जो है हमें जाना होता है मार्ट। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी ब्लॉगिंग के साथ साथ अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखता हूँ और कॉन्टेंट वीडियोज को भी कंटिन्यू रखता हूँ, तो इसी वजह से जो है आपके भाई को जाना था मार्ट। फिर हम चले गए मार्ट, अपनी मार्ट से फाइनली बस निकलते हैं मार्ट वगैरह के लिए, और मार्ट के बाद जाके देखते हैं सीन्स वगैरह क्या हैं। सप्लाई फटाफट ले आते हैं, लेट्स गेट रेडी टू गो ऑन मार्ट। और सीन्स ये हैं क्या, बस फटाफट निकलते हैं, लेट हुआ है बस वहाँ, बल्कि वहाँ से आके आप लोगों से मिलते हैं। आज सदर भी आना तो देखना पूरा ब्लॉग, मज़ा आएगा। फिर हुए वापस घर आए, जब वापस घर आए तो फिर जो है हमें ऐसी बात है भूख लग रही थी, तो हमने अपनी रोटियाँ वगैरह डाली, चाय बनाई और फिर जो है हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। पहली घर वगैरह हर चीज़ की जैसे कि अभी आपके भाई को जाना है मैक्रो कैमरे की एसेसरीज वगैरह लेना है, तो सीन्स ये है कि यार अभी जो है आपके भाई ने जो है चाय वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें रेडी कर ली हैं, तो गैस अब आहिस्ते से स्लो हो गई है, जैसी ये तली है उसके बाद चाय का चूल्हा जला के रखा है, तो गैस काफ़ी स्लो हो गई है सड़क से, पहले काफ़ी तेज़ आ रही थी लेकिन अब काफ़ी स्लो हो गई, तो फिलहाल जो फटाफट जो इनको रेडी करता हूँ फिर बैठते हैं, फिर अब जाना है कैमरे की एसेसरीज लेना। तो यार फाइनली जो है हम आ चुके हैं सेकंड रूम में अपने, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार कॉफ़ी वगैरह मैंने रख दिए, तो फिलहाल वो चाय वगैरह रेडी हो गई है और सामान वगैरह रेडी हो दिखाता हूँ। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यार अभी जो है तो लगी रोटियाँ और पराठे और चाय वगैरह रेडी हो गई, फटाफट इसको खाते हैं, फिर उसके बाद जाना है क्या सदर, तो फिलहाल जो फटाफट इसको खाते पीते हैं फिर निकलते सदर। खाने के बाद जो है हम लोग निकले उजैफा और मैं, हम लोगों को जाना है सदर। तो यार फाइनली जैसा कि अभी कैमरे की एसेसरीज पूरी करने आ रहे हैं हम लोग सदर, कैमरा वगैरह ये रहा और उजैफा भी आ रहा, सीन ये है कि यार फटाफट से निकलते हैं सदर और कैमरे की एसेसरीज पूरी करनी है, बस फटाफट निकलते हैं यार अभी घर से और एसेसरीज पूरी करके इसकी अभी सदर पहुँचते हैं, सदर में देखते क्या क्या सीन है।
फटाफट निकलते हैं, फिर शूट आने वाली है कैमरे से, फिर इसकी एसेसरीज हो जाए, फिर इंशाल्लाह शूट आने वाली है कैमरे वगैरह से, देखते हैं सीन्स क्या है। चलते हैं अभी सदर। तो हम लोग चले गए सदर। अब सदर में चूँकि काफ़ी ट्रैफिक होता है और सबसे ज़्यादा मसला होता है ट्रैफिक पुलिस वालों का, तो खैर अलहमदिल्ला ट्रैफिक पुलिस वालों से ही बचे और ट्रैफिक से ही बचे और हम पहुँचे एक शॉप पर। कहाँ से मिल रहा है तो आप मंगवा दोगे या मंगवा देता हूँ, देख लेता हूँ, मंगवा लो फिर अगर है इसका तो। जफा पार करके आ जा, अगर दे कहीं नहीं आएगी। ₹1000 तक का आएगा चार्जर, और कह रहे हैं इसका मुश्किल है मिलना, लेकिन कह रहे हैं ढूंढ के लाया हूँ मैं, तो ₹1000 तक में आएगा। वहाँ पे जब हम चार्जर लेने गए तो उसने हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे बताए, जिस शॉप का मैंने ब्लॉग में पार्ट डाले उस शॉप वाले ने हमें बहुत ज़्यादा पैसे बताए, यानी इतने ज़्यादा है कि डबल पैसे, उसके आधे पैसों में हमें वो चीज़ मिल गई। तो सीन्स ये थे कि अब वो बंदा आया तो मैं समझ रहा था कि यार ये कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं, लेकिन मैंने उस जैफा को एक शॉप पे खड़ा करा और मैं चला गया दूसरी वाली शॉप पे, और फिर जो है हमने अलग अलग शॉपों पे जाके चार्जर देखा कैमरे के लिए। तो जब अलग अलग शॉपों पे गए तो उनकी आपस में टसल हो गई अचानक से, हम लोग तो खैर चार्जर लेने गए थे लेकिन उनकी टसल आपस में खुद ही हो गई। मैं जिस शॉप पर था मैं वहाँ देख रहा था, उस जैफा अलग शॉप पर देख रहा था, तो अचानक से जो है उनकी बहस ऐसी हुई हमसे ही कि एक शॉप वाले ने अचानक अपने मुंह से निकाल दिया कि भाई मेरे को जो है इतने पैसे ₹550 दे दो, 500 रुपये दे दो, वो 1000 या 1200 रुपये बता रहा था, उसने अचानक बोला 500 रुपये दो, मैंने जेब से निकाले, मैंने उसके हाथ में दिए, मैंने ले लिए भाई। तो यार फाइनली यार बैटरी वगैरह ले लिए, चार्जर ले लिए, और सीट पर जैसे तो ये हमने टसलबाजी में लिया, बंदा टसल में आ गया था यार, 500 रुपये दे दो ब्याज का ले लो, और हमने 550 रुपये दिए खैर, लेकिन चार्जर आई है, एक बंदा 900 रुपये का पहना रहा था, ये सदर है यहाँ तो ऐसे ही होता है, 900 रुपये का पहना रहा था और 500 रुपये कैसा आया यार, अचानक मिलते बोले 500 रुपये ले लो, फिर खैर चलो 550 रुपये में लिया, लेकिन यार चार्जर आई है हाथ में, और अब चलते हैं वापस घर, जो काम था मेन वो हो गया। यानी सदर के अंदर ये चीज़ है, आज तक है मौजूद, कि जबान जो है ना या टसलबाजी के अंदर ना बस ये नहीं सोचते कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, भाई लोग कहते हैं दे दो एक चीज़ अगर आ रही है ना इतने की, तो ये लोग कहते हैं दे दो, तो जो है यही वजह है कि जो है हम लोग जो है इस चीज़ को अवॉइड करते सबसे ज़्यादा, कि भाई किसी से वो बहस ना, लेकिन अब वो बहस ऐसी थी कि हमारे फ़ायदे का सौदा था, तो हमने वो चार्जर वगैरह वहाँ से पिक आउट करा, और काफ़ी यानी व्लॉग भी अच्छा बनाया अपना, और व्लॉग को अच्छा करने की कोशिश भी करी। अचानक से ना बंदा ऐसा वो हुआ, अब उदयपुर अलग दुकान पे देख रहा था, मैं अलग दुकान पे ना, दोनों के पास एक ही चार्जर थे, एक ने दोनों ने 1000-1000 रुपये बताए अपने, हमने बोला यार हमने बराबर में भी कर रहा, उसने बोला कितने का लोगे ये वो फलाना ना, उसके मूड से अचानक निकल गया 500 रुपये दे ना, मूड है अभी से। अब मैंने लालू गेट में टाइम दिया है, काम वगैरह करा है, इस तरह की क्लीनिंग हमने ही बहुत करी है, हमारी गली से ले गए ना, अब ये सीन हुआ कि ना इसने अचानक अपने मुँह से बोल दिया यार इतने दो, और आपका भाई पहले भी होशियार था, मैंने बोला यार ऐसा सीन हो सकता है यहाँ पर ना लाजमी, फौरन दस्ती मैंने बोला ये ले भाई पैसे पकड़ तू और चार्जर दे दे, वरना 2000 रुपये मांग रहा था पहले वाला जहाँ पे उदयपुर खड़ा वाला, जहाँ पे मैंने बोला लेंस का ब्लॉक भी है, 2000 रुपये मांग रहा था, फिर उसमें जो दूसरा चार्जर दिखा उसके 1000 रुपये मांग रहा था, वही चार्जर हमें 550 रुपये का पड़ गया, तो अलहमदिल्ला जेब में एक रुपया टका नहीं पड़ा हो, और अगर टेक्निकली वालों को गलती से भी रोक लिया उससे भी कोई सीन हुआ, हमारे पास एक रुपया नहीं है, बाइक पे पेट्रोल वगैरह सब कुछ है, 4 लीटर 5 लीटर पेट्रोल लगा हुआ है, लेकिन सीन ये है कि बस
अब कहीं कोई सीन ना हो, कोई ऐसा सीन ना आए बीच में रस्ते में जिसकी वजह से हमारे पैसे खर्च हो, क्योंकि अब हमारे पास रुपया भी नहीं पड़ा हुआ। अब हम लोग घर जाएंगे तो फिर कुछ पैसे आएंगे जिसकी वजह से जैफा भाई ट्रीट देंगे। जैफा भाई के 450 रुपये बचाए मैंने और हम जो जो बजट लेकर आए। अब यहाँ मिला ये एक बार मेरे को बोल रहा था ना आगे चल के देखते एक कैसा तीन पलटा है। थोड़ी बहुत बैठी भी चार्ज हो गई फ्री में। यानी ना सदर में टसलबाजी चलती है। अगर आप किसी और शॉप पर वो भी 900 पर आके रखे हैं 900। मैंने कहा यार इसको मैं वगैरह बोलता ना वहाँ से इतनी का मिल रहा है, ये बोलता ले लो वहीं से। हाँ इससे बेहतर है कि हमने खुद ही ले लिया और अभी चलते हैं वापस। इधर से रॉन्ग पूजा लेफ्ट साइड पर नहीं है ना। तो अभी चलते हैं फिलहाल यार घर। बड़ा मज़ा आया कैमरे की डीलिंग और कैमरे की जो एसेसरीज थी ना इनको लेने में बड़ा प्यारा मज़ा आया। कड़क आया ना पसंद में भाई इतने की ले लो। हमने बोला भाई दे दे तू छोड़ रहने दे इतने को छोड़ तू इतने की दे दे। तो अब फिलहाल अब बैरक घर चलते हैं क्योंकि सजा रही है। इसमें मैं ब्लॉक कर रहा हूँ पीछे से आ जाए सब जगह गाड़ी आ जाएगी। और तुम लोगों को सदर के सीन्स भी दिखाए। सदर में जो है दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले से बचना और दूसरा अपनी बाइक से बचना यानी बाइक को बचाना। बाइक को बचाने से मकसद ये है कि वो अक्सर तो पार्किंग से भी उठा के ले जाता है बाइक, और वैसे तो बहुत कम होता है लेकिन पार्किंग से भी ले जाते जब उनको अपना खाँचा बनाना होता है तो। लेकिन फिर भी हमने अपनी बाइक भी बचाई और सारी चीज़ों को भी बचाया और सेफली सारे काम करे। और मेन काम चार्जर था। अब इंशाल्लाह चार्जर वगैरह आई है तो ये है कि अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मार्ट वगैरह है, काम है, जॉब्स हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है कि यार क्या करना है, किस तरीके से शूट है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी ये सीन समझ में नहीं आ रहा है किसी के भी, तो इसी वजह से जो है अब देखो जब भी कोई भी सीन बनेगा तो इंशाल्लाह वो तो व्लॉग आएगा ही आएगा। तो फिलहाल जो है ये थी आज की हमारी एक्सप्लोरेशन और आज की हमारी वीडियो। सो द गाइस वीडियो इज गोइंग टू एंड, होप यू गाइस यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न सम लेसन फ्रॉम सदर। इस सदर के बारे में आपको कुछ पता चला होगा कि सदर में क्या सीन्स है, तो इसलिए हमेशा जब भी जाओ कोई भी चीज़ लेने तो हमेशा एक दुकान पे नहीं खड़े हो। मैं यही मशवरा दूंगा कि पहले दो तीन जगह उस चीज़ के रेट मालूम करो, फिर कहीं जाके एक जगह से लो जहाँ से आपको सूटेबल लगे कि हाँ यार ये रेट जो है ये थोड़े मुनासिब हैं, तो हमेशा चीज़ वहीं से ही लो। और जाने से पहले चौथा कलमा लाजमी पढ़ो, तो चौथे कलमा जब बंदा पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक आसानी फरमा देता है चीज़ को ढूंढने में, यानी बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक लिख देता है कि इससे बेहतर यानी जो हमारे नसीब में बेहतर होता है वो चीज़ हमें फिर मिल जाती है। तो जब भी शॉपिंग करने जाओ किसी भी चीज़ की तो एक दफ़ा चौथा कलमा पढ़ के जाओ ताकि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है हमेशा थोड़ा घूम फिर के जो है फिर आप वो करो डन, ये नहीं कि पहली दुकान से डन कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लालच करोगे यार यहाँ से सस्ता नहीं मिल रहा है आगे सस्ता मिल रहा है ये हो जाए वो जाए, लेकिन एहतियात ये कहती है कि भाई आप दो तीन दुकान घूमो फिर आप जाके लो, जिसके नसीब की रोज़ी है वो तो उसी को ही मिलनी है। तो यही मैं कहूँगा कि भाई पहले दो तीन दुकानें घूमा करो फिर लिया करो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। सो अपना ख्याल रखो, मुझे दो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।